तो क्रेडिट लेने के लिए तो जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री जी तो प्रयास तो करेंगे ही ना अब जब युवा मांग रहे हैं रोजगार तो उनके ऊपर आप लाठिया फिर से चला रहे हैं युवा आंदोलन कर रहे हैं पखनिया कुआं हो गया या भिखना पहाड़ी हो गया तमाम जो चाहे वो खान सर का कोचिंग हो बिपिन सर जो मैथ मस्ती वाले हैं उनका कोचिंग हो एस के झा सर का कोचिंग हो तमाम कोचिंग संस्थानों पे आप ताला लटकवा दिए हैं तो आखिर सत्रह साल ठीक है सत्रह साल में आपने क्या किया क्या नहीं किया बात की बात सत्रह महीने में जो हुआ आप उसे कैसे नकार सकते हो आप उसे नहीं नकार सकते पलटू राम जी आप जनमानस के हित में जब काम करवाने लगे तेजस्वी यादव जी तो आप तो कोढ़िया बैल के तरह थे तो ये बर्दाश्त हुआ नहीं कि कैसे हमारे जो गरीब गुरबे जो भाई हैं उनको नौकरी मिल रही है आखिर वहाँ जो गए वहाँ जिस प्रकार से इधर का गठबंधन तोड़ करके उधर गए तो वहाँ पे क्या मिला आप नीतीश कुमार जी जो पलटू राम जी हैं अगर पंद्रह दिन अगर और बर्दाश्त कर लेते तो एक लाख पैंतीस हजार वैकेंसी स्वास्थ्य विभाग में भी निकलने वाली थी स्वास्थ्य मंत्रालय तेजस्वी यादव जी के अधीन था लेकिन रामजान के हॉस्पिटल का उद्घाटन नीतीश कुमार जी के हाथों कराया गया ताकि भाई आप खुश रहिए बुड़बक आदमी को झुंझुना पकड़ा दिया जाता है कि ताकि चलो भाई इसमें खुश रहो अब ऐसे ही बुड़बक लोगों में से एक नीतीश कुमार जी विद्यालय की स्थिति जो है जर्जर है इस पर कैके पठक का दिमाग नहीं काम करता है क्या ये सिर्फ और सिर्फ हिटलर शाही कानून नीतीश कुमार जी बनाते हैं और हिटलर शाही व्यवस्था वो चलाना चाहते हैं क्योंकि पाठक के, के जरिए और भी कुछ कुछ ऑफिसर्स हैं उनके जरिए जी नमस्कार आप देख रहे दे मैं वेद सिंह जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार में अभी बहुत ही हलचल मची हुई है और दूसरी तरफ देखा जाए तो जो हाल फिलहाल में टीचर्स की नियुक्तियाँ हुई हैं उसको श्रेय लेने के होर में सभी लगे हुए हैं एक तरफ तो सूत्रों के हवाले से खबर ऐसा भी आ रहा है कि नीतीश कुमार जी का कहना है कि जो टीचर्स नियुक्तियां हुई हैं तो उनके कार्यकाल में हुई है और उनके कारण हुई है और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो तेजस्वी यादव जी जिनके साथ पहले नीतीश कुमार जी थे लेकिन अब अलग गठबंधन में है तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव जी का कहना है कि मैंने अगर प्रेशर नहीं दिया रहता तो फिर नियुक्तियां होती ही नहीं तो इन्हीं सब तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं संतोष रेणु यादव जी तो सर पहले तो स्वागत है आपका जी धन्यवाद जी अभी जो बिहार में मतलब थोड़ी दिन पहले नियुक्तियाँ हुई हैं टीचर्स की चार लाख टीचर्स का मतलब नियुक्तियाँ हुआ है तो इसका श्रेय किसे जाना चाहिए क्योंकि श्रेय जो है लेने के होर में सभी लगे हुए हैं देखिए जिस प्रकार से ये सर्वविदित है ये सब लोग जान रहे हैं सवा चौदह करोड़ के बिहारवासी जान रहे हैं कि पिछले सत्रह वर्षों में जो डबल इंजन की जो एन की सरकार थी उस सरकार में किस प्रकार से अराजकता का माहौल था रोजगार नहीं था लोग जब रोज़गार मांगते थे वैकेंसीज़ की डिमांड करते थे हमारे युवा तो उनके ऊपर लाठियाँ बरसाई जाती थी आंसू गैस के गोले छोड़े जाते थे और उसके बाद देन आफ्टर जैसे ही तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में जब सरकार बनी महागठबंधन की तो उसके बाद हर एक क्षेत्रों में जो जो विभाग जो तेजस्वी यादव जी के जो नेता थे उनके अधीन जो जो मंत्रालय रहे उन मंत्रालयों में लगातार वैकेंसीज निकाली गई जिसमें शिक्षा विभाग बहुत बढ़ चढ़ करके नियुक्तियाँ निकाली तो यहाँ पे जो बातें हैं कि मुख्यमंत्री जी क्या कह रहे हैं वो कहने की नौबत में कब आ गए क्यों कह रहे हैं ये बात आप भली बात ही समझिए क्योंकि नीतीश कुमार जी को भी पता है कि पूरे बिहार के जनमानस क्या कि पूरे देश के लोग बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में बढ़िया कार्यकाल रहा और सत्रह महीनों में जिस प्रकार से Uh, सिर्फ शिक्षा विभाग ही नहीं तमाम विभाग में टूरिज्म पॉलिसी बनाई गई स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई गई आईटी पॉलिसी बनाई गई इन्वेस्टर सबमिट करके 512 कंपनियों को बिहार में लाने की एग्रीमेंट हुई टूरिज्म पॉलिसी के तहत अमेरिका की एक होटल है इंटरनेशनल होटल है हयात होटल उसको बोधगया में लगाने की बात हुई तो तमाम जो बातें अगर आ, आ, बात करें अगर हेल्थ सेक्टर की तो आई को पूर्ण सरकारी घोषित किया गया तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में उधर देखिए तो रामजान के हॉस्पिटल समस्तीपुर में उसका उद्घाटन हुआ तो क्रेडिट लेने के लिए तो जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री जी तो प्रयास तो करेंगे ही ना लेकिन उनमें अगर थी अगर कैपेबिलिटी थी तो फिर पिछले सत्रह वर्षों में जो उनकी सरकार जो डबल इंजन की सरकार एन के साथ रही उसमें उनकी क्षमता कहाँ चली गई थी तो जाहिर सी बात है कि वो जैसे जैसे थे वैसे ही थे इधर से जो तेजस्वी यादव जी जब जुड़े तो ये तमाम जो आप देख रहे हैं वैकेंसी जो हर लोग बोल रहे हैं ये हर लोग बोल रहे हैं अब आप ये बताइए अब तो तेजस्वी जी की सरकार नहीं है अब तो नीतीश जी की फिर से नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं फिर से वही डबल डबल इंजन की सरकार आ गई है अब जब युवा मांग रहे हैं रोजगार तो उनके ऊपर आप लाठिया फिर से चला रहे हैं युवा आंदोलन कर रहे हैं जहाँ पे युवा रह करके पढ़ते लिखते हैं उन क्षेत्रों में आप धारा एक लगा दिए हैं मखनिया कुआँ हो गया या भिखना पहाड़ी हो गया तमाम जो चाहे वो खान सर का कोचिंग हो बिपिन सर जो मैथ मस्ती वाले हैं उनका कोचिंग हो एस के झाँ सर का कोचिंग हो तमाम कोचिंग संस्थानों पे आप ताला लटकवा दिए हैं तमाम शिक्षकों के ऊपर आप एफ करने की बात कर रहे हैं हजारों विद्यार्थियों का आधार कार्ड ले लिया गया है कि अगर कुछ होगा तो सीधा एफ आई ठोकेंगे सैकड़ों विद्यार्थियों को जेल के अंदर डाल दिया गया तो अब तो नीतीश कुमार बताएं ना कि आखिर सत्रह साल ठीक है सत्रह साल में आपने क्या किया क्या नहीं किया बात की बात सत्रह महीने में जो हुआ आप उसे कैसे नकार सकते हो आप उसे नहीं नकार सकते पलटू राम जी आप पलटू राम थे हम लोग प्रयास किए कि पेंदी लगा दें लेकिन आप उस योग्य भी नहीं रहे और जब आपसे जब जनमानस के हित में जब काम करवाने लगे तेजस्वी यादव जी तो आप तो कोढ़िया बैल के तरह थे आपको तो बर्दाश्त हुआ नहीं मेहनत करना आपको तो ये बर्दाश्त हुआ नहीं कि कैसे हमारे जो गरीब गुरबे जो भाई हैं उनको नौकरी मिल रही है कैसे हमारे समाज की बेटियों को हमारे समाज की माताओं को थोड़ा सा सुख मिल गया आप तो बर्दाश्त नहीं किए और जिस आ, आखिर वहाँ जो गए वहाँ जिस प्रकार से इधर का गठबंधन तोड़ करके उधर गए तो वहाँ पे क्या मिला आपको क्या वो बुलेट ट्रेन जो 26 सांसद वाले गुजरात को मिल मिलने की बात हो रही है और मिल रहा है वो बुलेट ट्रेन क्या उनचालीस सांसद वाले एन डी ए को उनचालीस सांसद दिया है बिहार ने क्या उनचालीस सांसद वाले बिहार को मिल रहा है क्या या वहाँ पे विशेष पैकेज का जो घोषणा किए थे आरा के रमना मैदान में नरेंद्र मोदी जी वो विशेष पैकेज बिहार के लिए मिल रहा है क्या या विशेष राज का दर्जा मिल रहा है कौन सी बातें थी लेकिन सर अगर वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो बहुत सारे लोगों का ऐसा भी कहना है कि अगर तेजस्वी यादव जी के द्वारा अगर वैकेंसीज निकली है टीचर्स नियुक्ति वाली तो वो तो हेल्थ मिनिस्टर थे हैं। तो फिर हेल्थ में क्यों नहीं मतलब वैकेंसीज निकाले बिल्कुल बिल्कुल हेल्थ में भी आशा बहनों आशा बहनों को देखिए उनको भी ये मिला उसके बाद हेल्थ में एक लाख पैंतीस हज़ार की सारी प्रक्रिया पूरी कर दी गई थी ये तो सरकार अगर पंद्रह दिन अगर और नीतीश कुमार जी जो पलटू राम जी हैं अगर पंद्रह दिन अगर और बर्दाश्त कर लेते तो एक लाख पैंतीस हज़ार वैकेंसी स्वास्थ्य विभाग में भी निकलने वाली थी सारी प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी थी हम तो कहते हैं पलटू राम जी से कि अभी भी तो हिम्मत जुटाइए तो सर अगर देखा जाए तो क्या लगता है कि ये जो नियुक्तियाँ हुई हैं अगर अभी भी अगर नीतीश जी अगर गठबंधन इंडियन गठबंधन में रहते तो क्या लगता है कि बिहार में और भी ज़्यादा नियुक्तियां देखने को मिलती अब तक कम से कम दो सौ ढाई लाख नियुक्ति अभी और हो जाती अब तक अब तक हो जाती क्योंकि एक लाख पैंतीस हज़ार सारी जो प्रोसेस है सारी जो प्रक्रिया है वो फुलफिल कर दी गई थी बस विज्ञापन निकालना था विज्ञापन निकलता उसके बाद तुरंत लोग ज्वाइन करते आप हमें ये बताइए कि शिक्षा विभाग के बारे में जो नीतीश कुमार जी बोल रहे हैं शिक्षा विभाग के मंत्री कौन थे चंद्रशेखर बाबू चंद्रशेखर बाबू किस पार्टी के नेता हैं आर के आप ही बताइए गांधी मैदान में जब नियुक्ति पत्र बांटी जा रही थी तो क्या चंद्रशेखर बाबू का कहीं आपने फोटो देखा या कहीं पे आपने तेजस्वी यादव जी का फोटो देखा कहीं नहीं देखे होंगे आप सिर्फ़ और सिर्फ एक चेहरा देखे होंगे वो चेहरा होगा नीतीश कुमार का तो क्रेडिट काम कर रहे हैं तेजस्वी यादव जी काम कर रहे हैं तेजस्वी यादव जी के मंत्री और क्रेडिट ले रहे हैं नीतीश कुमार जी स्वास्थ्य मंत्रालय तेजस्वी यादव जी के अधीन था लेकिन रामजान के हॉस्पिटल का उद्घाटन नीतीश कुमार जी के हाथों कराया गया ताकि भाई आप खुश रहिए बुड़बक आदमी को झुंझुना जुण पकड़ा दिया जाता है कि ताकि चलो भाई इसमें खुश रहो अब ऐसे ही बुड़बक लोगों में से एक नीतीश कुमार जी हैं सर मेरा आखिरी क्वेश्चन रहेगा आपसे वहीं अगर जो अभी नियुक्तियां हुई हैं टीचर्स की तो अभी रिसेंटली ऐसा भी खबर आ रहा है कि के के पाठक जी जो मतलब उनके द्वारा कहा जा रहा है कि सक्षमता एक एग्जाम और होगा उसके बाद ही मतलब ज्वाइनिंग होगा इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे देखिए नीतीश कुमार जी के के पाठक को मुंह बना देते हैं और पेट खुद रखते हैं के के पाठक के द्वारा के के पाठक के बहाने नीतीश कुमार जी हमारे शिक्षकों को हर बार अपमानित करने का प्रयास करते रहते हैं हमारे बिहार के जो मेधावी जो छात्र हैं जो शिक्षक हैं जो शिक्षा में अपना बहुत दिन से योगदान दे रहे हैं उनको बस ये लोग बस अपमानित करने के लिए उनको नीचा दिखाने के लिए ये सब काम किया जाता है आप ये बताइए ये के के पाठक के पास और कोई दूसरा काम नहीं है क्या और कोई दूसरा काम नहीं है विद्यालय की स्थिति जो है जर्जर है इस पर के के पाठक का दिमाग नहीं काम करता है क्या आप ये बताइए जिस प्रकार से शिक्षक लोग को ये हिटलर साहिब फरमान जारी करते हैं इतना बजे से इतना बजे तक काम करना है अरे भाई वो भी तो एक इंसान है वो भी तो एक ह्यूमन राइट्स के दायरे में रह करके ही आप बात करेंगे ना संवैधानिक दायरे को आप क्रॉस नहीं कर सकते अभी तो आप देखिए कि के के पाठक और जो उस वक्त पटना के डीएम थे चंद्रशेखर जी उनके बीच बीच हो गई थी कहा सुनी तो ये जो बातें हैं तो नीतीश कुमार जी को तय करना पड़ेगा कि के पाठक को आप चेहरा बना करके आप हमारे शिक्षकों को आप मानित नहीं कर सकते हमारे शिक्षकों को आप टॉर्चर नहीं कर सकते शिक्षक जब तक वो खुश नहीं रहेंगे वो क्या बच्चों को पढ़ा पाएंगे ये बार बार दक्षता परीक्षा ये क्या है ये सब क्या नीतीश कुमार जी देंगे एग्जाम जो क्वेश्चन शिक्षकों को दिया जा रहा है क्या वही क्वेश्चन नीतीश कुमार जी को दिया जाए क्या वही क्वेश्चन के के पाठक को दिया जाए तो ये सिर्फ और सिर्फ हिटलर शाही कानून नीतीश कुमार जी बनाते हैं और हिटलर शाही व्यवस्था वो चलाना चाहते हैं क्योंकि पाठक के, के जरिए और भी कुछ कुछ ऑफिसर्स हैं उनके जरिए तो जी तो अभी आपने जैसा सुना हमारे साथ जुड़े हुए थे संतोष रेणु यादव इनका कहना है कि जो बिहार में जो टीचर्स की नियुक्तियां हुई हैं वो तेजस्वी यादव जी जब तक डिप्टी सी थे तभी मतलब इतना कारगर हुआ क्योंकि जब पिछले कुछ सालों से जब नीतीश कुमार जी एन में थे तो उस समय भी निकल सकती थी ये नियुक्तियां लेकिन अभी तक क्यों नहीं निकली तो और भी ऐसे तमाम खबरें देखते रहने के लिए आप देखते रहे न्यूज़ ट्वेंटी फोर मैं वे सिंह सहयोगी गांगुल के साथ पटना